तो वी हैव रेड टिल टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 5 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, या फिर मिक्सचर्स को सेपरेट करना क्यों जरूरी है। ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, कि क्या कौन कौन से मेथड है जो हम लोग सेपरेट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखेंगे, तो सबसे पहला क्या आएगा कि अगर किसी भी मिक्सचर को अगर हम लोग को सेपरेट करना है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू यूज सच अ प्रॉपर्टी दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर हैज अनदर रोल। अब एक मिक्सचर है, इसका प्रॉपर्टी, इसमें बहुत चीज मान लीजिए मिला हुआ है, इसमें दो सब्सटेंस मिला हुआ है, सपोज आयन मिला हुआ है और सल्फर मिला हुआ है, तो जब तक इन दोनों सब्सटेंस का प्रॉपर्टी अलग नहीं होगा तब तक हम इस मिक्सचर से इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर एक मिक्सचर बना है वो किस किस चीज से बना है, आयन और सल्फर से। अगर आयन और सल्फर जो है, अगर दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं हुआ तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए हम आयन का भी प्रॉपर्टी क्या है कि वो मैग्नेट से मैग्नेट में जाकर स्टिक कर जाता है, मैग्नेट में जाकर वो सट जाता है, और सल्फर में भी क्या है कि वो मैग्नेट में जाकर सट जाता है, अगर मान लीजिए ऐसा प्रॉपर्टी हुआ दोनों का, तो वो क्या होगा, क्या अगर हम इस मिक्सचर में मैग्नेट लाए और मैग्नेट लाकर रख दिए तो होगा क्या, दोनों आकर इसमें सट जाएगा, ठीक है, स्टिक कर जाएगा, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी कंस्टिट्यूएंट्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं होगा तब तक हम किसी भी मिक्सचर से उस सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। अब सपोज आयरन है, सल्फर है, इन दोनों को हम मिक्स किए, मिक्स करने के बाद हमको क्या करना होगा, बस एक मैग्नेट ले जाके इन दोनों के मिक्सचर के अंदर रख देना होगा, तो जितने भी आयन सब्सटेंस होंगे ना सारे जाके इसमें स्टिक कर जाएंगे और सल्फर मिला अलग हो जाएगा, तो हम दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। उसी बेसिस पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेशन। तो आपका सबसे पहला जो सेपरेशन है वो है सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, दो सॉलिड्स को कैसे अलग करेंगे। अगर एक मिक्सचर है उसमें दोनों सॉलिड है, सॉलिड प्लस सॉलिड मिला हुआ है, तो हम इसको कैसे एक्सचेंज मींस सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, ये मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए प्रॉपर्टीज किस किस चीज पे बेस्ड होगा, कलर पर बेस्ड होगा। सपोज एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है, इस बेसिस पर हम अलग कर सकते हैं। दूसरा साइज पर होगा, आप राइस में देख सकते हो स्टोन का साइज बड़ा होता है, ग्रेन्स का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, जो राइस है उसका साइज छोटा होता है। फिर आप वेट पे कर सकते हो, ठीक है, वेट पर कर सकते हो। वेट के बाद आप शेप पर कर सकते हो अलग, उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे कर सकते हो कि कौन कितना सॉल्युबल है, पानी के साथ मिल जा रहा है। तो इन सब बेसिस पर कलर, साइज, वेट, शेप, सॉल्युबिलिटी, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट, ये सब चीज पर हम सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपके आपका दाल है, दाल में क्या है, तो दाल आपका येलो कलर का होता है, उसमें अगर एक दो पत्थर आ जाए तो उसको आप कैसे अलग कर लोगे, तो दाल का कलर अलग होगा, पत्थर का कलर अलग होगा, तो कलर के बेसिस पर हम अलग कर सकते हैं, साइज के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। सपोज चावल है, उसमें हमारा क्या है, स्टोन है, ठीक है, चावल में जो पत्थर रहता है, ये चावल को कैसे अलग करेंगे, तो चावल को, चावल का साइज बड़ा होता है और स्टोन का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो स्टोन का साइज बड़ा होता है, चावल का साइज छोटा होता है, उस बेसिस पर भी हम लोग कर सकते हैं। वेट पे कैसे करेंगे, तो कोई भारी है कोई हल्का है, लाइक
जब आपके घर में देखे होंगे, जब वीट जो गेहूं है उसको जब वॉश किया जाता है तो जो हल्का शैफ हो जाता है, जो उसका छोटा छोटा टूटा हुआ पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो गेहूं होता है, जो वीट है, वो भारी होने के कारण नीचे सेटल डाउन कर जाता है, तो जिसके चलते हम वेट के बेसिस पर भी अलग कर सकते हैं और शेप सॉल्युबिलिटी ये सब के बेसिस पर भी अलग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस पहला है आपका थ्रेसिंग का। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर विनोइंग का मतलब क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग देखते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि थ्रेसिंग और विनोइंग का मतलब होता क्या है। तो सपोज आप लोग गांव गए, गांव जाने के बाद आप देखते होंगे पहले क्या किया जाता है, किसी भी गेहूं को, चावल को, वीट हो या राइस हो, एनी कोई भी आप ये सीरियल्स ले लीजिए, ठीक है, ग्रेन्स ले लीजिए, उसको पहले क्या किया जाता है, सो किया जाता है। सो मतलब उसको लगाया जाता है, तो उसको पहले मिट्टी में उसको सो कर दिए। सो करने के बाद वो बड़ा हुआ। अब बड़ा होने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, तो उसको कट कर दिया जाता है, तो उसको बेस यहाँ से ऐसे कट कर दिया गया। अब कट करने के बाद जो पूरा बचता है, ठीक है, तो अब उससे ग्रेन्स कैसे निकाला जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो पार्ट जो कट होकर निकला है इसमें नहीं भी तो 100 ग्रेन्स हो सकते हैं, हर पूरे पौधे में ऐसे ग्रेन होगा, तो एक एक कर कर ग्रेन्स तो निकाला जा नहीं सकता है। तो उस ग्रेन्स को हम लोग करते क्या है, वो पूरे स्टॉक को, ये जो पूरा कटा हुआ है, इस पूरे कटे हुए को हम लोग एक गुच्छा बनाते हैं, सबको एक बंडल में पैक करते हैं, बांधते हैं रस्सी से, और बांधने के बाद उसको जमीन पर पटका जाता है, ठीक है, जो ग्राउंड है, हार्ड सरफेस है, उसको उसके ऊपर मारा जाता है, ठीक है। अब मारने से होगा क्या कि आपका जो भी ग्रेन्स होगा ना वो धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है, ग्रेन्स निकल जाएगा। अब ग्रेन्स निकलने के बाद या फिर और क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एनिमल्स को दौड़ा दिया जाता है, चलवा दिया जाता है, जिसके कारण उसमें भी गिर जाता है। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो अपने घर के डोरमैट पे, तो आपका घर का जो डोरमैट होता है, ठीक है, जहां पर आप मतलब घर में एंटर करते होगे या फिर बाहर में कहीं पर भी नीचे में डोरमैट रखा हुआ होगा, ठीक है, जो नीचे जमीन पर मैट रखा रहता है, उसको साफ करने के लिए आप लोग क्या करते हो, उसको आप लोग पटकते हो। तो जब उसको पटका जाता है, जब उसको बीट किया जाता है, ठीक है, ग्राउंड पर या किसी भी हार्ड सरफेस पर, तो उसका जो डस्ट है वो नीचे गिर जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मारने से उसका डस्ट पार्टिकल्स मूव करता है और शायद फाइनली वो गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो उसी तरह ये जो स्टॉक है इसको पटका जाता है, बीट किया जाता है, जब ये बीट किया जा रहा है तो उसे ही हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, जब वीट या राइस जब हार्वेस्ट होने के लिए वो अब कटने कटने के बाद अब वो उससे ग्रेन्स को निकाला जब जाएगा ना, तो उस ग्रेन्स को निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। तो सिंपल थ्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। पूरा जो गुच्छा रहेगा उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। तो स्टॉक से जब ग्रेन्स को हम लोग अलग करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया थ्रेसिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि जब हम लोग पटके हैं तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, उसमें कुछ स्टोन नहीं होगा, सारा चीज होगा। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जब डस्ट पार्टिकल्स ये सब उसके अंदर है, जब उसके अंदर क्रेन्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, तो उसको एक हाइट से नीचे गिराया जाता है, ठीक है। सपोज एक सूप मान लीजिए या कोई यूटेंसिल ले लीजिए, उसमें ग्रेन्स को रख दिया गया, जो थ्रेस्टिंग थ्रेस्ट ग्रेन्स है उसको अंदर रख दिया गया, और उसको एक हाइट से नीचे गिराया जाता है। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होता है ना, जैसे जिसमें उसमें भूसा ये सब जो होता है, वो नीचे एयर के चलते, ठीक है, अब एयर ब्लो कर रहा है, उन लोग का वेट कम है, तो वो लोग मूव कर कर इधर गिर जाता है, दूर कहीं गिर जाता है, और ग्रेन सिंस भारी है तो वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये हम अभी एग्जाम्पल प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये ग्रेन्स है, इसको पहले सारा को शो किया गया, ये अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब ये ग्रो कर रहा है जब धीरे धीरे, अब देखिए ये पूरा आपका ग्रेन्स का पूरा वो आपका फील्ड है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे और ग्रो किया, बड़ा हुआ और बड़ा होगा धीरे धीरे। अब बड़े होने के बाद अब इसमें ग्रेन्स आने लगे, अब देखना तो इसमें ग्रेन्स आने लगेंगे। अब देखो अब ये थोड़ा हल्का येलोइश कलर होने लगा, इसका मतलब इसमें अब ग्रेन्स आने लगे। अब देख सकते हो ये ग्रेन्स है सारा, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, इसमें अब ये हरा हरा ग्रेन्स है। अब ये मैच्योर हो गया, अब इसको काटा जाएगा,
ठीक है, अब ये मैच्योर हो गया पूरा, अब इसको काटा जाएगा, पूरा ग्रीन कलर येलो कलर का हो गया। अब इसको काटने के बाद, अब इसको काट दिया गया, ओके, इसमें सारा ग्रेन्स जो है वो मैच्योर हो गया। तो देखिए आपका जो ये दिख रहा है ना, यही स्टॉक होता है, ये जो आपका दिख रहा है ना, इसी का भूसा बनाया जाता है, इसको कट कर भूसा बनाया जाता है, याद रखिएगा, इसको कट किया जाता है एंड फाइनली इसी का भूसा बनाया जाता है, और इसी में ग्रेन्स लगा हुआ होता है। ये सब आप देख रहे हो, ये जो पार्टिकल्स दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, और ये ऊपर पार्ट होगा भी, और आप देखोगे तो वो सब पार्ट में ग्रेन्स होता है। जब इसको कट कर दिया जाएगा कुछ देर के बाद, और कट करने के बाद फिर ठीक है, ये पूरा अब मैच्योर हो गया। ठीक है, अब ये पूरा मैच्योर होने के बाद अब इसको कट किया जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये आपका स्टॉक बन गया। देखिए वेट अ सेकेंड, आपको देखिए कट करने के बाद इसी को स्टॉक बोलते हैं। ये जो ठीक है, इसी को स्टॉक बोलते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रेन्स है, ये सारे ग्रेन्स है, ठीक है, और इसको जब एक बंडल में बांध दिया गया तो इसी को स्टॉक बोला जाता है। अब इस स्टॉक को या तो जमीन में मारा जाएगा, या इसके ऊपर एनिमल्स को चला दिया जाएगा, या फिर मशीन से किया जाएगा। तो आपको इसमें मशीन दिखेगा, ठीक है, कि मशीन से कैसे होता है। तो देखिए अब ये सब पूरा स्टॉक आपको दिख रहा है, हर जगह आपको स्टॉक दिखेगा। अब देखिए ये मशीन से स्टार्ट हुआ, ये मशीन है जिसको थ्रेशर बोला जाता है, और ये मशीन से, ये देखिए मशीन है, ये आपका ट्रैक्टर से चलता है, डाला जाता है। आप देख सकते हो इस मशीन के अंदर इसको डाला जा रहा है, और डाले जाने के बाद फाइनली फिर क्या हो रहा है, इसमें सारा प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, इस मशीन से डाला जाएगा और ये थ्रेसिंग होगा। अब देखिए इसमें जैसे ही डालेंगे तो ये सब जितने भी अंदर ग्रेन्स है उन सबको अलग इधर उधर कर देगा ग्रेन्स को, एंड फाइनली ये देखिए प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। ट्रैक्टर से ये कनेक्टेड है और ये कनेक्शन घूम रहा है गोल गोल, और जब ये बेल्ट घूमता है तो बेल्ट घूमने के साथ में ही क्या होगा, आप अभी देखोगे अंदर में कि ये पूरे ग्रेन्स को, पूरा जो स्टॉक था ना उसको घुमाएगा। जब पूरा स्टॉक घूमेगा अंदर में तो ग्रेन्स अंदर अलग हो जाता है और स्टॉक अलग हो जाता है, उसका जो भूसा है वो अलग हो जाएगा और स्टॉक अलग हो जाएगा। तो देखिए ये डाला जा रहा है, ये ऐसे डाला गया, और डाला जाने के बाद देखिए ये पूरा घूमा, और घूमने के बाद फाइनली फिर क्या हो जा रहा है, ग्रेन्स अलग हो जा रहा है, स्टॉक अलग हो जा रहा है। ये अंदर डाल दिया गया, ग्रेन्स अलग हो गया, स्टॉक अलग हो जाएगा। देखिए अंदर गया, ग्रेन्स अलग, स्टॉक अलग, ग्रेन्स अलग, स्टॉक अलग होते जाएगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद फिर विनोइंग प्रोसेस होगा। ये देखिए बंडल बंडल लाकर रखा जा रहा है, स्टॉक लाकर रखा जा रहा है, ठीक है। तब उसके बाद ये अलग होगा, देखिए यहाँ पर ग्रेन्स निकल रहा है, आप देख सकते हो इस प्रोसेस में ग्रेन्स यहाँ पर अलग निकल रहा है, ठीक है, ये ग्रेन्स ऐसे निकलते जा रहा है। लेकिन ये जो ग्रेन्स है ये पूरा ग्रेन्स नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स कुछ अंदर बच जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी अब साफ किया जाएगा, उसको देखिए कैसे साफ किया जाएगा, उसको एक जगह स्टोर, आप देख सकते हो इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, कुछ अगर नीचे है तो यहाँ पर पत्थर भी आ जाएगा, क्योंकि ये सब सारा चीज जमीन पर बैठ कर होता है, ग्राउंड पर बैठ कर होता है, तो उसके साथ कुछ पत्थर भी आ जाते हैं, कुछ देखिए ये जो पार्टिकल है ये भी इसके साथ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये सब चीज हमारे, हम लोग तो खा नहीं सकते हैं क्योंकि टेस्ट वो खराब कर देगा, तो इस चलते इसको अब विनोइंग किया जाता है। तो अब ये विनोइंग के लिए जाएगा, यहाँ से थ्रेशिंग हुआ और ग्रेन्स आ गया। अब देखिए ये आपका विनोइंग हो रहा है मशीन से। अब विनोइंग क्या हो रहा है, विनोइंग देखिए आप देख सकते हो, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पर देखिएगा, सिंस ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो लाइटर पार्टिकल्स है उसको दूर फेंक दिया जा रहा है, और जो हेवियर पार्टिकल्स है नीचे देख सकते हो, जो ग्रेन है उसको नीचे रख दिया जा रहा है। तो आप ये देखोगे अभी लाइटर पार्टिकल्स पीछे चला गया और ग्रेन्स यहाँ गिर जा रहा है, ये लाइटर पार्टिकल्स है ये पीछे जा रहा है, ठीक है, पूरा ये उड़ जा रहा है और ग्रेन सिर्फ बच जा रहा है, ये पूरा आपका सिर्फ लाइटर पार्टिकल्स है। और ग्रेन देखिए, अच्छा ग्रेन्स इधर गिरते गया और आपका लाइटर पार्टिकल्स इधर, खराब जो है वो इधर होगा। तो ये आपका विनोइंग होता है, जिसमें
जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हटा, देखिए डस्ट पार्टिकल्स आपका इधर से निकल रहा है साइड से, और आगे में ग्रेन, ये आपका देखिए प्योर ग्रेन ये निकल गया। अब उसके बाद फिर से इसको धोया जाता है, इसको वॉश किया जाता है, ये ऐसे रख दिया गया, उसके बाद फिर इसको स्टोर कर दिया जाता है और वॉश कर दिया। इसमें जो होता है इम्प्यूरिटीज थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये आपका टोटल विनोइंग थ्रेशिंग सब इसी के अंदर होता है, इसको विनोइंग और थ्रेशिंग का मशीन भी बोला जाता है, थ्रेशर बोला जाता है, विनोइंग मशीन बोला जाता है। तो अब देख सकते हो इधर से आपका थ्रेसिंग हो रहा है और इधर से विनोइंग हो रहा है, तो दोनों चीज इसमें प्रेजेंट होता है, इस चलते ये थ्रेसिंग और विनोइंग हो गया। थ्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, दैट टू सेपरेट, सेपरेट किस चीज को, ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, फ्रॉम द स्टॉक। जब स्टॉक से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा थ्रेसिंग हो जाएगा। और विनोइंग क्या हो जाएगा, तो विनोइंग होता है दैट इज द प्रोसेस टू रिमूव अगर आप विनोइंग देखोगे तो विनोइंग हो जाएगा दैट इज द प्रोसेस टू सेपरेट शाफ्ट From the grains, ठीक है। जब शैफ को, शैफ मतलब भूसा, डस्ट पार्टिकल, उसको जब अलग कर रहे हैं ग्रेन से तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग विनोइंग बोलेंगे, ठीक है। ये आपका दोनों का डेफिनेशन।